बढ़ते खबरों की ओर। सीधी जिले में एक ऐसा गांव है जहां लगभग 70 साल बाद चुरहट विधायक के प्रयास से पंचायत और ग्रामीण विभाग ने डामरीकरण सड़क मंजूर हुई। सड़क मंजूर होते ही ग्रामीणों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन ठेकेदार और विभाग के अधिकारियों की अनदेखी के कारण ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कंदवार से कोटा डिठोरा पहुंच मार्ग की, जिसका आरईएस विभाग ने डामरीकरण कार्य शुरू किया। इस दौरान ठेकेदार ने मनमानी तरीके से सड़क का निर्माण को पूरा किया, जिसकी जानकारी स्थानीय लोगों ने विभाग को दी। मौके पर पहुंचे विभाग अधिकारियों ने जब इसकी जांच की तो सड़क गुणवत्ताहीन दिखी। इस संबंध में जब अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने जांच करने की बात कही। वहीं रोड की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष और भाजपा नेता राम सुंदर पटेल ने कहा कि ये विभाग और ठेकेदार की मनमानी है। तो ये थे हिमांशु तिवारी ईई एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, जिनको कार्यवाही करने और अपना काम देखने से फुर्सत नहीं है और वो कोई भी अपडेट देने के लिए तैयार नहीं है। ये इतना बड़ा घपला, घोटाला, करप्शन, कौन जिम्मेदार है इसका? कौन लेगा जिम्मेदारी और कौन बताएगा कि 3.5 करोड़ का ठेका, उसमें से धूल धक्कड़ मिट्टी उड़ रही है और कोई जिम्मेदार नहीं है? पब्लिक का पैसा कौन हिसाब किताब देगा? आप देख रहे हैं साधना न्यूज, ब्यूरो चीफ अजना पांडे के साथ। तो ये थे हिमांशु तिवारी ईई सीधी से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर गुणवत्ताहीन सड़क का निर्माण कार्य किया गया है। कई सालों बाद तो सड़क का निर्माण हुआ, लेकिन उसमें भी ठेकेदार ने गुणवत्ताहीन इसका निर्माण किया है। तो सड़क के डामरीकरण में ये भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। आपको बता दें आरईएस विभाग के अधिकारियों की मिली भगत का अंदेशा भी जताया जा रहा है और ये पूरी ठेकेदार की मनमानी यहां पर नजर आ रही है। और हमारे साथ इस खबर पर जानकारी देने के लिए अजनाब पांडे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अजनाब, क्या कुछ ये पूरा मामला है, गुणवत्ताहीन सड़क का निर्माण किया गया है? जी, कदवार कोटा डिठौरा मार्ग में आरईएस विभाग से बनाई जा रही है और ठेके द्वारा जो ये कार्य किया जा रहा है वो मापदंड पर बिल्कुल भी खरी नहीं उतर रही है, ना ही ध्यान दिया जा रहा है। ऐसा ग्रामीणों की शिकायत भी की गई है और उनके द्वारा वीडियो और फोटोज भी हमें मिली थी और हम वहाँ जानकारी इकट्ठा करने गए और देखा कि वहाँ पे गुणवत्ता जांचने के लिए जो विभाग द्वारा कंसल्टेंसी नियुक्त की गई थी, जो विभाग के एसपी और इंजीनियर लगातार करते हैं, लेकिन उन लोगों में भी कोई जिम्मेदारी नाम की चीज नहीं है और उनकी ही जिम्मेदारी थी, बट कोई जांच नहीं हुई है। पूरी मिली भगत के द्वारा ये करप्शन हो रहा है। 3.5 करोड़ का ये ठेका है और पूरा जो इंजीनियर हिमांशु तिवारी है वो ना ही जांच कर रहे हैं, ना ही देख पड़ताल कर रहे हैं और पूरा ही मापदंड के खरी नहीं है। तो इसका जिम्मेदार कौन है, सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है। और इसका पेमेंट भी जहां तक हो रहा पता चल रहा है कि इसका पेमेंट भी, भुगतान भी किया जा चुका है, लगभग कार्य पूरा हो रहा है जी। तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? बिल्कुल, इतने सालों बाद सड़क का निर्माण हुआ लेकिन वो भी गुणवत्ताहीन। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।